बवाल में हिजाब बनाम भगवा की एंट्री हुई क्योंकि कुंडापुरा कॉलेज में कुछ मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लास अटेंड करने से रोका गया। उनका ये तर्क था, उनकी ये दलील थी कि हिजाब इस्लाम में अनिवार्य है और इसे पहनने की इजाजत मिलनी चाहिए। मुस्लिम छात्राओं की तरफ से विरोध हुआ, फिर बैन लगने के बाद और भी विरोध हुआ। दूसरी तरफ कई ऐसे हिंदू छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने ये तय कर लिया कि अगर हिजाब अनिवार्य वो बताते हैं तो वो भगवा शॉल पहनकर कॉलेज पहुंचने लगे। इस तरह से हिजाब बनाम भगवा संग्राम छिड़ा हुआ। ये शिक्षा का मंदिर है, लेकिन इसी मंदिर के अंदर और बाहर जो तस्वीरें आईं, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक तरफ हिजाब पर बैन का विरोध कर रही छात्राएं हैं, तो दूसरी तरफ गले में भगवा रंग का गमछा डाले कुछ छात्र और छात्राएं हैं। विरोध प्रदर्शन के नाम पर जो तस्वीर कैमरे में कैद हुई, उसे बहुत गौर से देखिए। भगवा स्कार्फ पहने कुछ छात्र हिजाब पहने छात्रा के सामने नारेबाजी कर रहे हैं। छात्रों की तरफ से जहां जय श्री राम के नारे लगाए गए, तो वहीं अकेली छात्रा ने अल्लाह अकबर का नारा लगाकर जवाब दिया। सवाल यही है कि स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की जबान पर पाठ्यक्रम की बजाय धर्म कहां से आ गया? आखिर भारत के भविष्य के साथ ये कैसा खिलवाड़ है? दरअसल हिजाब के समर्थन में चल रहे प्रदर्शनों के खिलाफ कर्नाटक में जगह जगह काउंटर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इस दौरान जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगाए जा रहे हैं। विरोध और प्रदर्शन के पीछे है हिजाब पर रोक लगाने वाला फैसला, यानी स्कूल और कॉलेज का नया ड्रेस कोड। आज हम लोगों ने हिजाब पहन के क्लास अटेंड करने की फरमाइश की, लाइक वी रिक्वेस्टेड देम, नॉट फरमाइश, वी रिक्वेस्टेड देम, लाइक प्लीज अलाउ अस, वी कांट टेक दिस ऑफ राइट। ऑल ऑफ सडन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मुस्लिम स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन किस लिए ले, जस्ट बिकॉज यहाँ पे हिजाब अलाउड है। देर आर सम अदर कॉलेजेस फ्रॉम द बिगिनिंग देर टोल्ड दैट हिजाब इज नॉट अलाउड, वी डिडंट इवन थिंक ऑफ गोइंग देर, अटेंडिंग देर, नो हियर इट इज अलाउड। देन सडनली आफ्टर दिस और यहाँ पे लाइक अचानक से हम लोगों को हिजाब निकालने के लिए कहा गया, तो ऑब्वियसली हमें बहुत लाइक वी फील अनकम्फर्टेबल विदाउट अवर हिजाब। छात्राओं का कहना है कि हिजाब पर पाबंदी कैसे लगाई जा सकती है, तो वहीं दूसरे पक्ष की जिद है कि अगर स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहनने की इजाजत मिलेगी तो भगवा वस्त्रों की क्यों नहीं। हिंदी कल प्रिंसिपल ने बोला था कि कोई भी हिजाब पहन के क्लास में या कॉलेज में नहीं आएगा बोल के, बट आज सब हिजाब पहन के क्लास में आकर क्लास उनको छोड़ रहे हैं, बट हमको अंदर आने को नहीं छोड़ रहे, इसके लिए हम इधर से आ गए अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो इक्वालिटी चाहिए हमको, इक्वालिटी चाहिए। वो भी हिजाब नहीं पहनेंगे और हम भी नहीं पहनेंगे, वो पहना तो हम भी पहनेंगे उतने, हम शॉल पहने। Because of those 10 to 20 members, we all the rest of the students, 100 to 200 students, we are not having the class, we are not having the labs, and tomorrow we are having the exams. Because of these students, what they are creating a nuisance over here, we are not able to attend our regular classes. Because of them, we are having the leave now. We have come for the college for the sake of education. We are nobody over here to provoke our religion. We have not come to the college to say that we are Hindu, we are Muslim, we are Christian. Everyone are equal in front of law and justice. So everybody needs a equal role. When they require their religion is so much important to them, then why they are coming to the education center? Education means one and equal for everyone. हिजाब विवाद की आड़ में मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को न सिर्फ लांघा गया बल्कि तार तार किया गया। ये तस्वीरें हिजाब पर बैन के खिलाफ पत्थरबाजी की है। शिवमोगा के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के बाहर पत्थरबाजी हुई। तनाव की वजह से शहर में धारा 144 लगा दी गई है और शिक्षण संस्थानों को अगले 2 दिनों तक बंद रखने का आदेश दिया है। इसी तरह बगलकोट में भी हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला।
हिजाब का समर्थन और विरोध करने वाले छात्रों के गुटों में झड़प जैसा नजारा देखने को मिला। यहाँ आपको ये समझना है कि कर्नाटक में अचानक हिजाब विवाद की एंट्री कैसे हुई, तो सुनिए। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 की धारा 133 लागू कर दी है। इस वजह से अब सभी स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म को अनिवार्य कर दिया गया है। इसी कानून के तहत सरकारी स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को तय यूनिफॉर्म ही पहननी होगी। वही प्राइवेट स्कूल भी अपनी खुद की एक यूनिफॉर्म चुन सकते हैं। इसी नए आदेश की वजह से हिजाब पर पाबंदी लगाई गई। मुस्लिम छात्राओं की दलील यही है कि पहले हिजाब पहनने की इजाजत थी तो अब क्यों नहीं, यानी हिजाब के बहाने मुस्लिम छात्राओं को निशाना बनाया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि पूरा मामला कर्नाटक हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। आज सुनवाई हुई और कल पूरे मामले पर अदालत अपना फैसला सुनाएगी। मतलब ये कि कानून की नजर में हिजाब पर बैन सही है या गलत। उडुपी से शिवमूर्ति के साथ आज तक ब्यूरो।